हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस टेक्निकल इंक चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखते हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर्स, जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से रिलेटेड हैं। आइए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन हैव द्विघात इंजन में होते हैं, तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें होता है पोर्ट, उसमें वाल्व नहीं होता, और जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें हमारा होता है वाल्व मैकेनिज्म। जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन में होते हैं उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं वाल्व मैकेनिज्म, और टू स्ट्रोक में हमारा पोर्ट होता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्मोस्टेट इज यूज्ड इन रेडिएटर्स टू, रेडिएटरों में थर्मोस्टेट किस लिए इस्तेमाल होता है? इसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि कंट्रोल द वाटर टेम्परेचर। जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वो हमारा वाटर को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग इन एन ऑटोमोटिव इंजन इज, ऑटोमोटिव इंजन में स्पीडन संपीडन रिंगों की न्यूनतम संख्या होती है। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन रिंग संपीडन रिंगों की संख्या मतलब मिनिमम होती है वो दो होती है। यहाँ पे जो संपीडन रिंग कंप्रेशन रिंग की जो काम होता है यहाँ पे होता है कि जब सिलेंडर में जो जली हुई गैसें होती हैं उन गैसों को क्रैंकेस में जाने से रोकना होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द अदर नेम फॉर डीजल साइकिल, डीजल चक्र के लिए अन्य नाम क्या है? तो डीजल चक्र के लिए जो डीजल साइकिल के लिए होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ पे डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम होता है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और जो हीट का रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वैल्यूम पे होता है, इसलिए हम डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड इन, ईंधन अंतःक्षेपक प्रयुक्त होता है। तो जो फ्यूल इंजेक्टर होता है ये हमारा यूज होता है सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, सीआई इंजन में इसका यूज होता है, और जो स्पार्क प्लग होता है उसका यूज हमारा एसआई इंजन में होता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1200 सीसी फोर सिलेंडर इंजन है, 1200 सीसी फोर सिलेंडर इंजन में होता है। तो यहाँ पे इसका जो सीसी होता है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। जो सीसी का फुल फॉर्म होता है ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, सीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्वेप्ट वैल्यूम ऑफ इच सिलेंडर इज इक्वल टू 300 सीसी, मतलब प्रत्येक सिलेंडर का समर्पित आयतन 300 सीसी होता है। स्वेप्ट वैल्यूम क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर होता है सिलेंडर में पिस्टन जितनी डिस्टेंस को कवर करता है मतलब जहाँ से जहाँ तक आता जाता है उसको हम स्विफ्ट वैल्यूम बोलते हैं, और जिस जहाँ तक हमारा पिस्टन नहीं पहुँच पाता है इस ऊपर वाले प्लेस को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इंजन पिस्टन्स आर यूजली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय बिकॉज, इंजन पिस्टन अक्सर एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि, देखिए एल्यूमिनियम जो होता है वो जो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है वो हल्का होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट इज लाइटर, ये हल्का होता है। सेकेंड थिंग, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो वो हीट का ट्रांसफर होता है वो तेजी से करता है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो होती है वो अच्छी होती है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन हैज, एक चार चरणी डीजल इंजन में होते हैं, तो डीजल इंजन में होते हैं वो थ्री वाल्व होते हैं, एक आपका इनलेट वाल्व होता है,
एक आपका आउटलेट वाल्व होता है, एक आपका आउटलेट वाल्व होता है और एक आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है, एक आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो इस तरह से हमारा जो डीजल इंजन होता है 4-स्ट्रोक, उसमें हमारे 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल यूज्ड इज, मतलब स्पार्क दहन इंजन में ईंधन प्रयोग होता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में जो प्रयोग होता है वो होता है पेट्रोल, और जो CI इंजन में प्रयुक्त होता है वो होता है डीजल। अगला यहाँ पे देखते हैं, इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, मतलब पेट्रोल की प्रज्वलन गुणवत्ता को इससे व्यक्त किया जाता है, वो है ऑक्टेन नंबर। ये पेट्रोल की इग्निशन क्वालिटी को बताता है। और जो डीजल इंजन, डीजल मतलब फ्यूल का जो बताता है वो होता है C10 नंबर। C10 नंबर से हम डीजल फ्यूल की इग्निशन क्वालिटी को बताते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो SI इंजन होता है वो हमारा ऑटो साइकिल पे काम करता है। ऑटो साइकिल का यहाँ पे PV डायग्राम देख लीजिए। देखिए ऑटो साइकिल में जो होता है, दो आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं और हमारे जो दो होते हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अदर नाम से जानते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। जैसे हम डीजल इंजन को जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल से, वैसे हम इसको क्या जानते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह यहाँ पर जो हीट का एडिशन हमारा होता है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और जो हीट का रिजेक्शन होता है वो भी होता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसलिए SI इंजन के लिए हमारा ऑटो साइकिल होता है, और ऑटो साइकिल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से जानते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेट्रा इथाइल लीड इज यूज एज, टेट्रा इथाइल लीड का प्रयोग इस रूप में होता है। तो ये जो होता है ये पेट्रोल एडिटिव में होता है, मतलब पेट्रोल योगज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी इज, उस उपकरण को क्या कहते हैं जो बैटरी के चार्ज होने की स्थिति का पता लगाता है। तो वो हमारा जो होता है वो होता है हाइड्रोमीटर। और यहाँ पे जो एक दिया गया हाइग्रोमीटर, इससे हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा अल्कोहल। सामान्यतः ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल हिम निरोधी सॉल्यूशन कौन सा है, तो अल्कोहल। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनमो इज यूज टू कन्वर्ट, डायनमो का उपयोग निम्नलिखित को बदलने के लिए किया जाता है। तो जो डायनमो का काम होता है वो करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द फैन बेल्ट इन ऑटोमोबाइल इज, ऑटोमोबाइल में फैन बेल्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वी सेक्शन वी बेल्ट। जो भी बेल्ट होता है इसका इंक्लूडेड जो एंगल होता है वो होता है 30 से लेके 40 डिग्री तक।
अगर ऑप्शन में केवल 40, 30, 20 दिया होगा तो हम करेक्ट ऑप्शन क्या करेंगे, टिक 40 डिग्री को, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम वाले को कंसीडर करते हैं। और जब ऐसे रेंज में दिया रहेगा तो 30 टू 40 सही हो जाएगा। द चार्ज सक इन सिलेंडर सक्शन स्ट्रोक ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन के चूसण स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में चूसित चार्ज होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एयर। जो डीजल इंजन में जो सक्शन स्ट्रोक के टाइम केवल एयर अंदर आता है और कंप्रेशन के लास्ट में फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा उसमें फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता है, जिससे कंप्रेस्ड एयर इतनी हीट हो जाती है कि जैसे ही उसमें हम फ्यूल इंजेक्ट कराते हैं तो वो तुरंत का तुरंत बर्न हो जाता है और हमको हीट प्रोड्यूस हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। टू कनेक्ट पिस्टन टू द कनेक्टिंग रॉड द आर यूज्ड। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने में जो हेल्प होता है वो होता है गजन पिन का। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये सिलेंडर है, यहाँ पिस्टन है, यहाँ पे क्रैंक है, ऐसे जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो होता है ये स्मॉल इंड होता है, यहाँ पे जो होता है बिग इंड होता है। तो अगर स्मॉल इंड पूछेगा तो हम गजन पिन करेंगे, और बिग इंड अगर यहाँ पूछेगा तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होता है क्रैंक पिन। इसको हम बोलेंगे क्रैंक पिन। हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। द मटेरियल्स यूज्ड फॉर सिलेंडर ब्लॉक आर। सिलेंडर ब्लॉक के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, मतलब 1 हॉर्स पावर कितना होता है, ये पिछली बार हेम ऑपरेटर में जो पूछा गया था तो वहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो 746 वाट होता है। यहाँ पे जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था उसमें 746 वाट नहीं था, तो 735 वाट करेक्ट माना गया था। ये प्रीवियस ईयर जो हेम ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इंजन स्ट्रोक ऑफ इंजन इज, इंजन का स्ट्रोक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, टीडीसी एवं बीडीसी के बीच की दूरी को इंजन का स्ट्रोक बोलते हैं। ये सिलेंडर होता है और यहाँ पे मान लीजिए कि पिस्टन यहाँ से और यहाँ तक मूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वैल्यूम और इन खाली वाले को हम बोलते हैं क्लियरेंस वैल्यूम। इसी को हम बोलते हैं इंजन का स्ट्रोक, जहाँ से जहाँ तक पिस्टन हमारा मूव करता है। तो ये होता है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं टीडीसी टॉप डेड सेंटर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। इनके बीच को हम केबिन के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इंजन का स्ट्रोक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कनेक्टिंग रॉड, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का धातु क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइल्ड स्टील। द कंपोनेंट ऑफ द इंजन दैट कनेक्ट्स द लिंक बिटवीन द स्मॉल इंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड द पिस्टन इज नोन है। देखिए ऊपर क्वेश्चन था, यहाँ पे जब आपको स्मॉल इंड की बात करेगा तो गजन पिन हो जाएगा, और बिग इंड की बात करेगा तो हमारा क्रैंक पिन हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। पिस्टन रिंग्स यूजली मेड ऑफ, पिस्टन रिंग सामान्यतः बनी होती हैं, तो ये कास्ट आयरन की बनी होती हैं, लेकिन बेसिकली जो नए वाले मतलब पिस्टन रिंग्स आती हैं वो एल्यूमिनियम की बनाई जा रही हैं। फॉर ईच क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्यूशन द कैमशाफ्ट रिवॉल्व्स। एक चक्कर क्रैंकशाफ्ट के घूमने पर कैमशाफ्ट घूमता है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1/2 टर्न्स, आधा घुमाव। उसके बाद हम अगला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। हीट इज रिजेक्टेड इन द डीजल साइकिल। पूछा है कि हीट जो रिजेक्ट होता है वो कैसे, मतलब किस प्रोसेस में। जैसे यहाँ पे देखिए डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल का हमारा ये पीवी डायग्राम हो गया,
डीजल साइकिल में जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर होता है उस पे हीट का एडिशन होता है, और हमारा जो कांस्टेंट वैल्यूम मतलब प्रोसेस होता है उस पे हमारा हीट का रिजेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द रिवर्सिबल कांस्टेंट वैल्यूम प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हीट रिजेक्टेड की अगर हीट एडिशन की बात करता तो ड्यूरिंग द रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, कौन सा कारक ऑटो चक्र की दक्षता में योगदान करता है। तो जो ऑटो चक्र जो इफिशियंसी होती है ऑटो की साइकिल की होता है 1 - 1/RC/γ-1। तो जो RC होता है वो होता है कंप्रेशन रेशियो, RC हमारा क्या होता है कंप्रेशन रेशियो होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए कंप्रेशन रेशियो। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आप इसको एक बार क्विक शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, और भी आपको जो अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हमारे इस टेक्निकल इन चैनल पे करा दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।